में हमने कॉन्कॉर्ड के इतिहास के हर एक पन्नों को समझने की कोशिश किया था। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उसे भी देख सकते हैं। तो आइए आगे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। 25 जुलाई 2000 एयर फ्रांस 4590 फ्रांस के एक एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। शाम के 4:35 तक सभी 109 लोग फ्लाइट में दाखिल हो चुके थे। एटीसी ने अब तक एयर फ्रांस को टेक ऑफ करने की इजाजत नहीं दिया था क्योंकि जिस रनवे से इसे टेक ऑफ करना था उसी रनवे से एक दूसरा प्लेन DC-10 उड़ान भरने वाला था। करीब 5 मिनट बाद एयर फ्रांस ने टेक ऑफ करना शुरू किया। 4000 मीटर लंबे रनवे में एयर फ्रांस यानी कि कॉन्कॉर्ड देखते ही देखते 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगा। तभी अचानक एटीसी ने प्लेन के पीछे से आग की लपटें निकलते हुए देखा। एटीसी ने तुरंत ही प्लेन के कैप्टन मार्टिन को बताया कि आपके प्लेन के पीछे आग की लपटें निकल रही है। अब क्योंकि प्लेन में आग पीछे की ओर लगा था इसीलिए पायलट से अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे कि आग कितने जोर से लगी है और कितना नुकसान हो सकता है। पायलट के पास अब एक ही ऑप्शन था, प्लेन को किसी तरह से टेक ऑफ करा दिया जाए, इसके बाद फिर से उसी एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश करेंगे। इस प्लेन को अब रोका नहीं जा सकता था क्योंकि जिस रनवे से ये प्लेन टेक ऑफ कर रहा था वो करीब 4000 मीटर लंबा था और ये प्लेन 2000 मीटर तक ऑलरेडी पहुंच चुका था, यानी कि अब सिर्फ 2000 मीटर रनवे ही बचा था। और साउंड की स्पीड से उड़ने वाला ये कॉन्कॉर्ड किसी भी हालत में 2000 मीटर लंबे रनवे पर रुक नहीं सकता था। इसे रोकने के लिए कम से कम 3000 मीटर रनवे की जरूरत थी, इसीलिए पायलट ने प्लेन को रोकने के बजाय इसे टेक ऑफ कराना उचित समझा। जलता हुआ यह प्लेन धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। ग्राउंड क्रू के साथ साथ आसपास के निवासियों का ध्यान भी अब इसके ऊपर चला गया। तभी प्लेन में एक अलार्म बजने लगा। पायलट ने जल्दी से एल्टीट्यूड को गेन करने के लिए थ्रस्ट लीवर को आगे की ओर पुश कर दिया। प्लेन में आग कहाँ लगा था, कितना लगा था, इस बात से अनजान पायलट्स अब ये सोचने में लगे हुए थे कि प्लेन टेक ऑफ तो हो गया लेकिन अब आगे क्या करें। फ्लाइट 4590 25000 आबादी वाले एरिया के बेहद नीचे से उड़ रहा था। कैप्टन मार्टिन कुछ सोच पाते इससे पहले ही प्लेन का एल्टीट्यूड कम होने लगा। कैप्टन अब करता भी तो क्या करता, उसके पास मौत का इंतजार करने के अलावा अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अब कैप्टन ऐसी जगह को खोजने लगा जहां पर वो इस चलते हुए प्लेन के साथ क्रैश हो सके। लग रहा था जैसे वो मरने की जगह तलाश कर रहा हो और ऐसा करना जरूरी भी था क्योंकि प्लेन में बैठे सभी 109 लोगों की किस्मत में मौत लिखा जा चुका था। बस देखना ये था कि कहीं ये प्लेन उन जगहों पर क्रैश ना हो जाए जहां पर घनी आबादी हो। जलता हुआ प्लेन अब बिना कंट्रोल के एक होटल से जा टकराया और आग की ऊंची लपटें निकलना शुरू हो गया। प्लेन के जलते हुए मलबे आसमान में बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगा। कुछ ही मिनट्स में वहां रेस्क्यू टीम आग बुझाने के लिए पहुंच गए, पर इस आग को बुझाना इतना भी आसान नहीं था। दोस्तों, अगर प्लेन में आग लैंडिंग के टाइम लगती है तो उसे जल्दी से बुझाया जा सकता है, लेकिन अगर आग टेक ऑफ के टाइम लग जाए तो उसे काबू में करना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि लैंडिंग के टाइम प्लेन के टैंक में बहुत कम फ्यूल बचता है जबकि टेक ऑफ के टाइम भारी मात्रा में प्लेन के टैंक में फ्यूल भरा होता है। एयर फ्रांस के साथ भी यही सिचुएशन था। प्लेन का फ्यूल टैंक पूरी तरह से भरा हुआ था। करीब 1,10,000 लीटर फ्यूल के साथ जलता हुआ कॉन्कॉर्ड बिल्डिंग से जा टकराया। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आग की लपटें कितनी तेज उठी होगी। इतने भीषण आग को बुझाते बुझाते शायद ही कोई जिंदा बच पाता। प्लेन में बैठे सभी 109 लोगों की जाने चली गई, साथ ही साथ उस होटल और आसपास के घरों को घरों में रहने वाले लोग भी बुरी तरह से घायल हो गए और 109 लोगों के अलावा 113 लोगों की जाने चली गई जो उन घरों में मौजूद थे। इस घटना की सबसे दुखद बात ये थी कि प्लेन में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी देखा भी नहीं था और जिंदगी ने रिश्ता ही तोड़ लिया। लाशें इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि कोई भी पहचान में भी नहीं आ रहा था।
ये दुनिया की अब तक पहली और आखिरी सुपरसोनिक प्लेन क्रैश था। इन्वेस्टिगेटर्स को अब ये पता लगाना था कि आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ, प्लेन में आग आखिर कैसे लगी। शुरुआती दौर में लग रहा था जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले 9/11 की घटना घट चुकी थी, पर ब्लैक बॉक्स ने कोई भी एक्सप्लोजन साउंड रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि माजरा कुछ और ही था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अनुसार प्लेन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था जब तक कि ये 323 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना आ गया। 323 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आने के बाद कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। ये अलार्म इंजन फायर अलार्म था। इसके बाद प्लेन में लिफ्ट मिलना बंद हो गया। ब्लैक बॉक्स के डिटेल स्टडी के बाद भी इससे ज्यादा कुछ भी पता नहीं चल पाया। वहीं दूसरी ओर रनवे के इंस्पेक्शन के दौरान प्लेन के टायर के कुछ टुकड़े मिले। ये टुकड़े रनवे के आसपास मिला। इसका मतलब यही हो सकता था कि टेक ऑफ के टाइम ही टायर ब्लास्ट हो गया होगा। पर आखिर कैसे? दोस्तों, प्लेन के टायर्स को हाई टेम्परेचर और प्रेशर को रेसिस्ट करने के लिए बेहद ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, पर कॉन्कॉर्ड के केस में ये सेफ्टी 4 गुना अधिक था। इस प्लेन के टायर को नॉर्मल कमर्शियल प्लेन के टायर्स के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। ऐसे में टायर का ब्लास्ट होना, ऐसा होना इम्पॉसिबल था, तो फिर कैसे ये टायर ब्लास्ट हो गया? थोड़ी बहुत और छानबीन करने के बाद रनवे पर एक मेटल का टुकड़ा मिला जो कि काफी शार्प था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि ये टुकड़ा कॉन्कॉर्ड का था ही नहीं, ये मेटल का टुकड़ा उस प्लेन का था जो कॉन्कॉर्ड से ठीक 5 मिनट पहले उड़ान भरा था, DC-10। इसके इंजन से एक मेटल का टुकड़ा टूटकर अलग हो गया और रनवे पर ही रह गया। इन्वेस्टिगेशन के टीम ने ये कहानी रचा कि जब 5 मिनट बाद कॉन्कॉर्ड उसी रनवे से होकर 323 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजर रहा था, तभी वो मेटल का टुकड़ा टायर से टकरा गया होगा, जिसके कारण टायर ब्लास्ट हो गया होगा। इसके बाद टायर का टुकड़ा बिखर गया होगा। अब क्योंकि कॉन्कॉर्ड डेल्टा शेप का है, इसीलिए इसका विंग्स, जिसमें कि फ्यूल टैंक होता है, ये काफी बड़े एरिया में फैला हुआ होता है, इसीलिए कोई भी टुकड़ा आसानी से विंग्स को हिट कर सकता है। और जैसा कि फिजिक्स का एक फॉर्मूला कहता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², यानी कि टायर का टुकड़ा मास में भले ही छोटा हो, अगर उसकी वेलोसिटी, यानी कि अगर वो तेज गति से विंग्स को हिट करता है, तो फ्यूल टैंक को बहुत नुकसान कर सकता है। इस कहानी को पुख्ता करने के लिए प्लेन के विंग्स की छानबीन किया गया और यहाँ पर उन्होंने सही पाया। प्लेन के विंग्स में काफी डेंटिंग का निशान था, लग रहा था जैसे कोई चीज इनसे टकराया हो। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जहाँ पर डेंट हुआ था वहाँ पर फ्यूल टैंक में कोई भी पंक्चर नहीं था। दोस्तों, प्लेन के विंग्स में बहुत सारे कमजोर पार्ट्स होते हैं। जब टायर का टुकड़ा विंग से टकराया तब एक शॉक वेव क्रिएट हुआ, जिसके कारण विंग्स के एक कमजोर हिस्से में एक बड़ा सा होल हो गया। फिर क्या था, वहाँ से फ्यूल निकलना शुरू होने लगा। अब प्लेन के टैंक से फ्यूल तेजी से बाहर निकलने लगा था। अब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि अब भी प्लेन टेक ऑफ कर सकता था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। टायर के ब्लास्ट होने के बाद टायर का एक टुकड़ा लैंडिंग गियर के वायर को कट कर दिया। इस वायर के स्पार्क के कारण आग लग गई। अब जलता हुआ प्लेन का विंग, प्लेन का एलिरॉन्स जो प्लेन को कंट्रोल करता है, धीरे धीरे वो पिघलने लगा था और फाइनली ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और ये एक छोटे से बिल्डिंग से जाके टकरा गया। इस घटना के 20 दिन बाद सभी कॉन्कॉर्ड को ग्राउंडेड कर दिया गया। इसके बाद इस प्लेन को काफी अपडेट किया गया, जैसे कि प्लेन के टायर्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया गया, प्लेन के विंग्स को भी अपडेट किया गया, साथ ही साथ लैंडिंग गियर के वायर को हाइड कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये था कि लोग अब कॉन्कॉर्ड में सफर करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये हादसा बहुत ही दर्दनाक था। लोगों को लगने लगा कि जल्दी जाने से अच्छा है लेट से जाएं, लेकिन सुरक्षित जाएं, और इसीलिए कॉन्कॉर्ड में यात्रियों की कमी होने लगी। ऊपर से ये प्लेन एक नॉर्मल प्लेन के मुकाबले 4 गुना अधिक फ्यूल खपत करता था, इसीलिए इस प्लेन का टिकट प्राइस भी काफी अधिक था। अब क्योंकि लोग कॉन्कॉर्ड को अवॉइड करने लगे और प्रॉफिट इतना कम होने लगा कि उससे इसका मेंटेनेंस खर्च भी नहीं आ रहा था, इसीलिए फाइनली इस प्लेन को बंद कर दिया गया। साउंड की स्पीड से दुगनी रफ्तार से उड़ने वाला ये प्लेन आज सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही नजर आते हैं और ये प्लेन आज म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही।